का आज हम आपको जिह्वा परीक्षण के बारे में बताएंगे। जो हमारे दिनचर्या में जो बताया हुआ है कि दंत धावन, जिह्वा निर्लेख और उसके बारे में अष्टविध परीक्षा में भी बताया है। और जिह्वा ये ऐसा एक ऑर्गन है जो वागेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ये दोनों का उसमें समतोल रखा हुआ है, जो कि उभयेंद्रिय हम बोल सकते हैं लेकिन उसको ऐसा बोला नहीं है। तो उसकी उत्पत्ति किससे होती है? कफ श्रोणित मांसा नाम सार जिह्वा प्रजायते, मतलब उसमें अगर वो प्राकृत रहेगा जिह्वा तो उसमें कफ और श्रोणित मांस का सार से बना हुआ है, अगर इसमें डिफॉर्मिटी आती है तो वो पहले जिह्वा को अटैक करेगा। तो अगर आपको कफ सार, श्रोणित सार, मांस सार देखना है, उसमें प्राकृत विकृत देखना है तो जिह्वा से देखो। तो जैसे हमारे ये जो सीनियर वैद्य बोलते हैं कि फेस इज अ मिरर ऑफ माइंड, तो वैसे ही टंग इज मिरर ऑफ जीआई ट्रैक। ये इसका आपको एविडेंस नहीं है लेकिन वो वैसा बराबर है कि टंग इज मिरर ऑफ जीआई ट्रैक। तो वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो वैद्यों ने बताया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि रोगम आदौ परीक्षेत तद अंतरम औषधम। तो रोग आदो परिच्छेद का जो उन्होंने वाक्य बताया है, जो उसमें बताया कि तत् कर्म विषयक कुर्यात् न्यायो पूर्वोत् विचक्षणः। तो ये समझने के लिए योग रत्नाकर जी ने रोग क्रांत शरीरस्य स्थानान अष्टविधो निर्देशित, मतलब रोग अगर होता है तो उसके जो स्थान बताया है वहां पे उसका निरीक्षण करो। तो वो निरीक्षण के लिए उन्होंने 8 प्रोटोकॉल दिए है। 8 क्या बोले हैं अष्टविध परीक्षा में? नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, द्रुक, आकृति। लेकिन आजकल के जमाने में बस नाड़ी के पीछे ही पड़े हैं और मूत्र के पीछे पड़े हैं, और मूत्र में कुछ समझ में नहीं आता, नाड़ी कुछ समझ आने वाला नहीं रहता है। तो नेक्स्ट जो है वो जीवा है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। निदानार्थ करो रोग, रोगो रोगस्य अपि उपलक्ष्य, निदानार्थ करो रोगस्य अपि उपलक्ष्य, कि निदान से रोग के नजदीक जाने के लिए आदो सर्वेशु। तो ये 8 में से नाड़ी, जिह्वा, अक्षी, मूत्र, तहा, मतलब नाड़ी, मूत्र, जिह्वा और अक्षी, ये 4 के बारे में आप समझो। ऐसे उन्होंने आपको कटिंग किया है। उसके बाद में और एक ग्रंथकार बोलते हैं नाड्या मूत्र से जिह्वाश्च लक्षणम यो न विंदती। अगर आपको नाड़ी, मूत्र और जिह्वा के बारे में के लक्षण अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप कैसे हो मार यत्याशु वैजंतु स, आप उस रुग्ण को मार डालते हो और वैद्य न यशो भजे, और वो जो वैद्य है वो यश प्राप्ति नहीं करता है। तो एटलीस्ट हमको नाड़ी, मूत्र और जिह्वा के बारे में पता होना चाहिए। नाड़ी के बारे में हमको हमारे सीनियर से समझना चाहिए, मूत्र के बारे में आपको प्रमेह में जो जो लक्षण बताए वो आपको समझना चाहिए, लेकिन जिह्वा के बारे में कहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ है तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो टंग है, इसके बारे में हमको देखना है। टंग इज मिरर ऑफ जी आई ट्रैक। तो ये जो टंग है इसमें यहाँ से लेके ये अगर हम पॉइंट लेते हैं तो ये हमारा मुख है और ये हमारा गुदा है। तो इसमें अगर हम बाइफर्केट करते हैं तो अंदर में जो आता है वो ग्रहणी का पार्ट आता है। तो ये ग्रहणी आता है, ये आमाशय आता है और ये पच्चमानाशय आता है। तो यहाँ पे पेशेंट को पच्चमानाशय पक्वाशय में पेशेंट को तकलीफ है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रहणी में तकलीफ है। तो ये ऐसे हम बाइफर्केट करेंगे तो हमें डिसीज का एग्जैक्टली लोकेशन पता चलेगा। स्थान जो बताया हुआ है, स्थान बताया है, वो स्थान हमें ये क्या बोलते हैं ढोबल, मतलब परमिटेशन कॉम्बिनेशन से पता चलेगा ये स्थान पे तकलीफ है पेशेंट को। ओके, तो हमें क्या समझना है? तो ये जो टंग है यहाँ पे ऊपर में उन्होंने बताया है इट इज अ, ये कौन सा टेस्ट है? ये है बिटर टेस्ट, मतलब कड़वापन। और यहाँ पे जब सेंसर होते हैं तो ये होता है सोर, मतलब खट्टापन। और यहाँ पे जब आता है तो वो आता है सॉल्ट, मतलब नमकीन। और यहाँ पे आता है वो आता है मीठापन। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अगर इस टेस्ट में अगर ये सेंस आते हैं तो हमें उसके विपरीत
हमें उसकी चिकित्सा करनी है। मतलब क्या, इधर आओ, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, अगर ये टेस्ट हमें आते हैं तो हमें क्या, इस रस के विपरीत रस का हमें योजन करना है, और वो योजन दंत धावन से बताया हुआ है, और दंत धावन के जितने भी काष्ठ औषधि है वो कटु तिक्त कषाय है, बिकॉज ऑफ दिस इज अ रिवर्स, मधुर आम्ल लवण। और ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं, मैं आपको बताता हूं। यह हमें शरीर के कफ, पित्त और वात के प्राकृत और विकृत, हम प्राकृत को बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली निराम और विकृत को बोलेंगे साम, लेकिन निराम मतलब प्राकृत नहीं, ये भी एक डिसीज ही है, बस वो प्राकृत के करीब है। तो अभी जब कफ साम होता है, जब हमें खांसी जुकाम होती है, तब वो कफ का रस कैसा होता है, नमकीन, तो हम यहां पे लिख देते हैं लवण, और जब वो प्राकृत रहता है तब वो रहता है मधुर, बराबर है। और पित्त जब निराम होता है तब वो होता है कटु, और जब पित्त साम होता है तब वो होता है आम्ल। तो ये आम्ल पित्त, तो साम का वो इंडिकेशन है, और लवण होता है वो साम में, कफ में होता है, वात में। श्रंस व्यास वद स्वापसाद, ये जो श्लोक है उसमें बोला है अरुण वर्णतः और कषाय रसतः, तो ये क्या हुआ, ये विकृत हुआ, तो इसीलिए वात का हम कषाय ये क्या लेंगे, साम में लेंगे। और कौन सा रस रिमेनिंग रहा, तो रस हुआ तिक्त रस रिमेनिंग। अभी मैं आपको ये रस क्यों बता रहा हूं, बिकॉज जिह्वा से ही वो रस ज्ञान होगा कि नहीं। जब हम सुबह में उठते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि बाबा मेरे मुंह में आज कड़वापन आया है, आज मेरे मुंह में थोड़ा सा नमकीनपन आया है, तो हम जब ब्रश करते हैं तब वो पूरा झाग निकालते हैं। जब हमें कड़वापन लगता है तब हम उसमें पित्त निकालने की कोशिश करते हैं। जब पेट में गुब्बारा होता है, एक कषाय रस्ता होती है, तब हम डकार निकालते हैं बोट डाल के। तो उसी तरह से ये जो रस बोले हैं वो सुबह में देखना है कि हमें मुंह में कैसा टेस्ट आता, ये आता है, उस हिसाब से ये हमें दंत धावन करना है। तो दंत धावन और जिह्वा निर्लेखन, ये हमारे जिह्वा का जो साम निराम जो कफ है, जो बॉडी में बढ़ा हुआ जो टेंडेंसी है, वो कम करने के लिए एक अकेला दंत धावन और जिह्वा निर्लेखन, ये प्रोसीजर अगर आप करते हो तो बॉडी में सैचुरेट हुआ कफ, साम हो या निराम हो, हमें प्राकृत रखना है। तो हम इस फॉर्मूला से अगर हम जाएंगे तो हमें निरोगी शरीर मिलने में, निरोगी शरीर स्वास्थ्य टिकने में बहुत कारगर साबित होगा। इसीलिए जिह्वा का परीक्षण होना बहुत जरूरी है। पेशेंट को पूछो कि सुबह सुबह आपको कैसे लगता है, आपके जो टेस्ट है मुंह का टेस्ट वो कैसे होता है, वो टेस्ट जीवेंद्रिय से ही होगा, और उससे ही हमें शोणित, कफ और सार और मांस का सार पता चलता है, उससे हमें वो ड्रग देने में सुविधा होती है। थैंक यू। इसीलिए जीवा परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।